वेलकम टू द बोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सिलाजिनेला। तो सबसे पहले है सिलाजिनेला की अक्रंस, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं, यानी नेचुरली इनको गर्म प्लांट कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरी दुनिया में ये पाए जाते हैं और ये ग्रो करते हैं डैम फॉरेस्ट में। तो डैम फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी कुछ स्पीशीज जो हैं वो टेम्परेट रीजन में ग्रो करती हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ग्रो करती हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज जो हैं वो मॉइस्ट शेडेड प्लेसेस पे ग्रो करती हैं, यानी नमी वाली सादा जगह पे भी ये ग्रो करते हैं। उसके बाद है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिलाजिनेला। तो सिलाजिनेला की प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है और ये डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट में, रूट, स्टेम और लीव्स। तो स्टेम की बात करते हैं, तो मेन स्टेम जो है वो सिलाजिनेला का प्रोस्ट्रेट होता है, यानी झुका हुआ होता है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है ज़मीन की तरफ। इस मेन स्टेम से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि इरेक्ट होती हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होती हैं, अपवर्ड होती हैं। उसके बाद है राइजोफोर। तो राइजोफोर से रूट अराइज होती हैं। अब राइजोफोर जो है वो किसे कहा जाता है और ये है क्या? तो जो मेन स्टेम होती है सिलाजिनेला की, उसके ऊपर कोई लीफ जो है वो डिवेलप नहीं होती, तो इस लीफलेस स्ट्रक्चर को कहते हैं राइजोफोर। राइजोफोर जो है ये डाउनवर्ड ग्रो करती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है और फिर फर्दर जो है वो इससे रूट्स निकलती हैं जिन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन स्टेम जो है ये डिफरेंट लोकेशन से रूट्स को अराइज करता है और एडवेंटिशियस रूट्स उन्हें कहते हैं कि जो अदर देन रूट टिश्यू से डिवेलप होती हैं, यानी जो रूट टिश्यू से डिवेलप नहीं होती बल्कि स्टेम की डिफरेंट सेल्स से, डिफरेंट पोर्शन से अराइज होती हैं, उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। राइजोफोर को रूट और स्टेम का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि मिलता जुलता होता है रूट से भी और कुछ हद तक ये स्टेम से भी मिलता जुलता होता है। अब राइजोफोर जो है इसमें नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट है सिलाजिनेला की लीव्स। तो मेन स्टेम और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कवर होती हैं ग्रीन लीव से। हर लीफ लिग्यूल रखता है। लिग्यूल जो है ये स्केल लाइक ब्रांच होती है, स्मॉल होती है और हर लीफ के पास ये मौजूद होती है। सिलाजिनेला में लीव्स दो तरह के ग्रो होते हैं, यानी लार्जर लीव्स भी ग्रो होते हैं और स्मॉलर लीव्स भी ग्रो होते हैं। और सिलाजिनेला में लीव्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में ग्रो होते हैं। लार्जर लीव्स जो हैं सिलाजिनेला के मेन स्टेम में वेंट्रल साइड पे ग्रो करते हैं और स्मॉलर लीव्स जो हैं वो डोर्सल साइड पे ग्रो करते हैं। अब वेंट्रल साइड क्या है और डोर्सल साइड क्या है? तो अगर आप अपने हाथ को देखें तो हाथ का जो अपर पोर्शन है जो आपको नज़र आ रहा है, ये है हाथ का डोर्सल साइड और इसको टर्न करेंगे तो ये है हाथ का वेंट्रल साइड। तो जो लार्जर लीव्स हैं वो वेंट्रल साइड पे ग्रो करती हैं और जो स्मॉलर लीव्स हैं वो डोर्सल साइड पे ग्रो करती हैं। लीव जो है वो स्पोरेंजिया रखता है, तो उन स्पोरेंजिया को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। बहुत से स्पोरोफिल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर कॉन्स या फिर सेट्रोबिलाय बनाते हैं। सेट्रोबिलाय जो है वो बहुत सारी कॉन्स को कहते हैं और सिंगल को कहते हैं सेट्रोबिलस। तो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ऑफ सिलाजिनेला। तो सिलाजिनेला का ये जो नीचे की तरफ ग्रो करता हुआ स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं राइजोफोर। अब राइजोफोर से कुछ इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं और ये कवर होती हैं लीव्स से, और लीव्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और साइज में डिफरेंट होते हैं, यानी लार्जर लीव्स भी ग्रो करते हैं और स्मॉलर लीव्स भी ग्रो करते हैं। तो लार्जर लीव्स जो हैं इनके वेंट्रल साइड पर ग्रो करते हैं और जो स्मॉलर लीव्स जो हैं वो डोर्सल साइड पर ग्रो करते हैं। जो राइजोफोर है, राइजोफोर से फर्दर जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं जिनको रूट्स कहते हैं और इन रूट्स को नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का, क्योंकि ये अदर देन रूट टिश्यू से डिवेल्प होती हैं। सिलाजिनेला की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें जो लीव्स होते हैं, लीव्स में होते हैं स्पोरेंजिया और बहुत से स्पोरेंजिया जो है वो आपस में कंबाइन होकर कॉन्स या फिर सेट्रोबिलाय बनाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो स्टेम की हमने पहले बात की थी, तो अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सिलाजिनेला का स्टेम जो है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल स्टील। अब एपिडर्मिस क्या है? तो ये आउटर मोस्ट लेयर है स्टेम की, इसमें कोई स्ट्रोमेटा मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस के इनर सर्फेस पर पाया जाता है और कॉर्टेक्स जो है वो बहुत सारी लेयर्स पर मुश्तमिल होता है और ये लेयर्स बनी हुई होती हैं पैरेन्काइमा सेल्स की। कॉर्टेक्स जो है वो सेंट्रल स्टील के इर्द गिर्द मौजूद होता है
और जो पेरिफेरल रीजन होता है कॉर्टेक्स का, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। अब पेरिफेरल रीजन कौन सा है? जो बिल्कुल पेरिफेरी यानी बाउंड्री पे पाया जाता है। मैच्योर स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है वो हाइपोडर्मिस बनाता है। अब एपिडर्मिस तो इसके अंदर पहले ही मौजूद है स्टेम के अंदर, तो जैसे ही स्टेम मैच्योर हो जाता है तो कॉर्टेक्स की जो सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस के ब्लो, वही कन्वर्ट हो जाती है हाइपोडर्मिस में। तो हाइपोडर्मिस किसे कहते हैं? एपिडर्मिस के नीचे एक और एपिडर्मिस बन जाती है जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद है सेंट्रल स्टील। तो स्टील जो है स्टेम के अंदर मोनोस्टेरिक से पॉलीस्टेरिक तक हो जाती है, यानी शिलाजीनल के स्टेम में एक स्टील भी होती है और एक से ज़्यादा स्टील्स भी बन जाती हैं। तो हर स्टील जो है वो प्रोटोस्टीलिक इन नेचर होती है। अब प्रोटोस्टीलिक का क्या मतलब है? तो प्रोटोस्टीलिक का मतलब है कि सेंटर में जाइलम होता है और उसकी सराउंडिंग में फ्लोएम होता है। तो ये कंडीशन जो है वो हर स्टील में मौजूद होती है जिसको प्रोटोस्टीलिक कहते हैं। मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में मौजूद होता है और सॉलिड रॉड की फॉर्म में मौजूद होता है, और जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफेरी पे मौजूद होता है यानी बाउंड्री पे मौजूद होता है। मेटाजाइलम जो है वो कवर होता है फ्लोएम से, यानी फ्लोएम जो है वो मेटाजाइलम के इर्द गिर्द पाया जाता है, और जो फ्लोएम होता है उसके इर्द गिर्द पाया जाता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स की एक सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। स्टील जो है वो कॉर्टेक्स से सेपरेट होती है एयर स्पेसिस की वजह से। ये एयर स्पेसिस जो है वो लॉन्ग सेल्स रखते हैं जिनको ट्रेबिक्यूला कहा जाता है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे आपको दो स्टील नजर आ रही हैं, एक स्टील ये है और एक स्टील ये है। तो ये सेंटर में जो है मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम जो है वो सेंट्रल कोर बनाता है स्टील का, और उसकी सराउंडिंग मौजूद होता है फ्लोएम। तो ये ब्लू कलर का क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम के इर्द गिर्द मौजूद होता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल बना हुआ होता है सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स का। पेरिसाइकल जो है वो कॉर्टेक्स और स्टील को एयर स्पेसिस के जरिए सेपरेट करता है। तो ये है एयर स्पेसिस। अभी एयर स्पेसिस में मौजूद हैं लॉन्ग सेल, तो इन लॉन्ग सेल्स को कहते हैं ट्रेबिक्यूला या फिर एंडोडर्मिस। ये है प्रोटोजाइलम जो कि पेरिफेरी में पाया जाता है, और ये भी कवर होता है फ्लोएम से। ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के ऊपर वाली जो सबसे लेयर है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है, और एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स के कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। जब स्टेम मैच्योर हो जाता है तो कॉर्टेक्स का सबसे ऊपर वाला लेयर जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है वो हाइपोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो हाइपोडर्मिस बना देता है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट के ऊपर भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। रूट के अंदर वेल डिवेल्प्ड एंडोडर्मिस पाए जाते हैं, और एंडोडर्मिस जो है वो स्टील को कॉर्टेक्स से सेपरेट करते हैं। रूट के अंदर एयर स्पेसिस जो है वो स्टील के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती। सिंगल लेयर ऑफ पेरिसाइकल जो है वो मौजूद होता है जो कि फ्लोएम और एंडोडर्मिस के दरमियान में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ जो है वो कवर होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से, और लीफ के जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है मौजूद होता है। स्टोमेटा जो है वो लीफ के दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। लीफ में मौजूद मेसोफिल सेल्स जो हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स के बने हुए होते हैं। इन सेल्स में लूजली अरेंजमेंट जो है वो पाई जाती है, जिनमें बहुत सारी जो हैं वो एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं। हर सेल जो है वो एक या बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रखता है, और हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेवन पाइनाइट लाइक बॉडीज जो है वो मौजूद होती हैं। पाइनाइट बॉडीज जो है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है शिलाजीनेला में स्पोरेंजिया। तो शिलाजीनेला का स्पोरेंजिया जो है वो हेटरोस्पोरस होता है, यानी शिलाजीनेला में दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। बोथ स्पोरेंजिया जो है वो लीव्स के एक्सिल में पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम से नेक्स्ट जो है पता चल जाएगा। वो लीव्स जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, और वो लीव्स जिनके एक्सिल में मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है उसे कहा जाता है मेगास्पोरोफिल, और इस कंडीशन को कहा जाता है स्ट्रेकियोस्पोरस। बोथ स्पोरोफिल्स जो हैं वो कौन बनाते हैं? स्ट्रोबिलाई बनाते हैं।
स्ट्रोबिलाइज है वो बहुत सारे को कहा जाता है, और सेट्रोबिलस जो है वो एक कौन को कहा जाता है। बोस्पोरेंजिया जो है वो सेम सेट्रोबिलस पे पाए जाते हैं, यानी एक ही कौन के ऊपर दोनों स्पोरेंजिया जो है वो डिवेल्प होते हैं। मेगास्पोरेंजिया जो है वो कौन के बेसल पोर्शन में पाया जाता है, यानी कौन के नीचे पाया जाता है, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो कौन के अपर पोर्शन पे ग्रो करता है। हर माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन मेगास्पोरेंजियम में ओनली 4 मेगास्पोर्स जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। मेच्योर स्पोर्स जो हैं वो पायरामिडल इन शेप होते हैं, यानी इस तरह 3 कोनों की शेप में मौजूद होते हैं, इसे कहते हैं पायरामिडल इन शेप। स्पोरेंजियल वॉल जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, और स्पोरेंजिया की सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे टैप्टम कहा जाता है। ये डिवेल्पिंग स्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योर स्पोरेंजिया के ऊपर एक स्लिट या एक शिगाफ जो है वो बन जाता है। स्पोर्स जो हैं वो इस स्लिट के जरिए स्पोरेंजिया से बाहर रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं तो गेमिटोफाइट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मेल गेमिटोफाइट ग्रो करते हैं, और मेगास्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके फीमेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। यंग एम्ब्रियो जो है वो मेगास्पोर में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमेशा फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, मेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो ये हमारे पास स्ट्रोबिलाई, जिसे कॉन्स भी कहा जाता है। तो कॉन का ये है एक्सिल पोर्शन, जिसे एक्सिस कहते हैं। कॉन के बेसल पोर्शन में मौजूद होते हैं मेगास्पोर्स, और कॉन के अपर पोर्शन में मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब मेगास्पोर्स जो हैं जिसमें प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम जो है वो जिस लीफ के एक्सल में ग्रो करता है उसे कहते हैं, उस लीफ को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। इसी तरह माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो जिसमें ग्रो होते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो जिस लीफ के एक्सल में डिवेल्प होता है उस लीफ को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। हर लीफ के पास जो है वो लिग्यूल प्रेजेंट होता है, यानी एक स्केल लाइक ग्रोथ जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवेलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो हमने स्पोरेंजिया को स्टडी कर लिया, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम को जान लिया। तो अब ये स्पोरेंजिया जो है वो डिवेल्प किस तरह होते हैं उनको अब हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम जो है वो एक ही तरह ग्रो करते हैं, उनकी डिवेलपमेंट का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों जो है वो स्पोर मदर सेल से डिवेल्प करते हैं। स्पोरेंजियल इनिशियल जो है वो लीफ के एक्सल में मौजूद होता है, और वो स्पोरेंजियल इनिशियल जो है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल को कहते हैं जैकेट इनिशियल, और इनर सेल को कहते हैं आर्च स्पोरियल इनिशियल। अब जो जैकेट इनिशियल सेल है वो फर्दर डिवाइड करके जैकेट बना देता है, और जो आर्च स्पोरियल इनिशियल है वो फर्दर डिवाइड करके मैस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज बना देता है। अब जो इनर मोस्ट लेयर है स्पोरोजिनस टिश्यूज की उसे कहते हैं टैप्टम। तो यहाँ तक स्टेप जो है वो मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया के डिवेलपमेंट के अंदर बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद इनके अंदर थोड़ा सा जो है वो चेंज आता है, जिससे माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम अलग अलग डिवेल्प होते हैं। तो हम इनको 1 by 1 जो है स्टडी करते हैं कि माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर किस तरह होती है डिवेलपमेंट, और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो डिवेलपमेंट किस तरह होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स बना देते हैं, और स्पोर मदर सेल्स जो हैं उनमें मियोसिस होती है और माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। इसी तरह मेगास्पोर में जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं उनसे बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। अब क्योंकि इन स्पोर मदर सेल से मेगास्पोर जो है वो डिवेल्प होने हैं, तो सिर्फ एक स्पोर मदर सेल जो है वो फंक्शन होता है, और बाकी तमाम स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अभी जो स्पोर मदर सेल फंक्शनल हुआ है इसमें मियोटिकली डिवीजन होती है, और 4 मेगा स्पोर्स जो हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं। तब हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है लीफ। लीफ के एक्सेल में जो है वो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल पाया जाता है। इस सेल में डिवीजन होती है, 2 सेल बनते हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। और बाकी आपको पता है लीफ लीफ के अंदर क्या है, लिग्यूल यानी स्केल लाइक आउटग्रोथ। अब इस अपर सेल को कहते हैं जैकेट इनिशियल, और लोअर सेल को कहते हैं आर्च स्पोरियल इनिशियल। जैकेट इनिशियल जो है वो फर्दर डिवाइड करके जैकेट बना देता है, और जो आर्च स्पोरियल इनिशियल है ये फर्दर डिवाइड करके मैस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बना देता है।
अब मैस ऑफ स्पर्जिनस टिश्यूज की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी उसे कहते हैं टैक्टम। तो यहाँ तक चार स्टेप जो हैं वो माइक्रो एंड मेगा स्पोर की डिवेलपमेंट में सिमिलर हैं। उसके बाद इनके अंदर थोड़ी सी जो है वो चेंजेस आती हैं। तो हम पहले अब देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं। तो जैसे स्पोरोजिनस सेल्स बन जाते हैं तो फर्दर इनमें जो है वो चेंजेस आती हैं, डिवीजन होती है, तो हमारे पास बन जाते हैं स्पोर मदर सेल्स। तो बहुत सारे बन गए हैं स्पोर मदर सेल्स। इन स्पोर मदर सेल्स में होगी मियोसिस और बन जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो शेल जब ब्रेक होगा तब माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह बन जाते हैं माइक्रोस्पोर्स। नेक्स्ट है कि मेगास्पोरेंजियम में क्या चेंजेस आती हैं। तो जैसे स्पोरोजिनस सेल्स थे तो स्पोरोजिनस सेल्स में फर्दर जो है वो चेंजेस हो गए, क्या बन गए, स्पोर मदर सेल्स। क्योंकि अब मेगा स्पोर डिवेलप होने हैं तो मेगा स्पोर मदर सेल्स में से सिर्फ एक स्पोर मदर सेल जो है वो फंक्शनल होगा और बाकी सारे जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एक स्पोर मदर सेल जो है वो फंक्शनल है और बाकी जो है वो खत्म हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। अब इस फंक्शनल स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और बन जाएंगे चार मेगा स्पोर्स। यहाँ पे आपको तीन नजर आ रहे हैं, एक जो है वो बैक साइड पे है, तो चार मेगा स्पोर्स जो है वो बन जाते हैं। बाकी सारे स्टेप जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।